उल्लंघन हो रहा है आदर्श आचार संहिता का, खासकर पछाड़ क्षेत्र में बिंदल जी जिस प्रकार कैंपिंग कर रहे हैं और आईपीएच मिनिस्टर माननीय श्री महेंद्र सिंह जी पाइपों का डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं और प्रलोभन दे रहे हैं, तो इस विषय पे हमने काफ़ी शिकायतें की है और आयोग ने इसका संज्ञान भी लिया है, इन्होंने यहाँ पर नोटिस वगैरह दिए हैं, लेकिन हमने आज ये समझा कि हम इस पे एक कड़ा संज्ञान लेने के लिए इन्हें ज्ञापन सौंपते हैं ताकि इनको जो है हमारा ये मानना है पूरी तरह से बैन किया जाए अभी जितने भी दिन इलेक्शन के बचे हैं, और अन्यथा जो है हम ये समझते हैं कि भी यहाँ पर निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये किसी नोटिस का इन्होंने कोई इस पर कार्रवाई अमल में नहीं लाई है बीजेपी की तरफ से, जो भी हमारी शिकायतें हैं बेशक इन्होंने चुनाव अधिकारी ने अपनी तरफ से नोटिस वगैरह दिए हैं, लेकिन ना ही तो वहाँ पर जो कार्यरत डीसी है ना ही कोई एडमिनिस्ट्रेशन के लोग हैं पुलिस के लोग हैं वो उस पर सही तरह से कार्य कर रहे हैं, और मंत्रियों पर और इनके स्पीकर साहब पे तो कोई असर ही नहीं पड़ रहा है। तो अब हम अंत में यही मांग करते हैं कि भाई इनके ऊपर पूर्ण बैन लगाया जाए, जो मेरा विश्वास है जैसा कि चुनाव अधिकारी से हमारी बात हुई है और उन्होंने माना है कि जो भी उनके हाथ में होगा वो इस विषय में करेंगे, और पूरी निष्पक्षता बरतने के लिए जो है हम जो है क्या कहते हैं कार्रवाई करेंगे।